बसमिल आपका दोस्त सलमान हैदर दो आए है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके आहे ख़ाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ सदर का जो उम्मीदवार है वो दरअसल गद्दार है पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो ख़तरा है और गैर मुल्की मफादा का तहफ़ करता है सर ये इल्ज़ाम लग के फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज़ किया है इसकी डिटेल मैंने आगे चल के आपको बतानी है बिलावल साहब का एक बहुत बड़ा मुतालबा और हकूमती ट्रेजरी बिल के अंदर वो बैठ रहे हैं ट्रेजरी बेंचज़ के अंदर वो बैठ रहे हैं और उन मुतालबात को लेते हुए अगर सुप्री जुडिशल कमीशन बन गया साहब के जरबराही तो कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा लेकिन जो जिनके साथ वो ट्रेजरी बिल में सॉरी ट्रेजरी बेंचेस में जिनके आ, साथ वो बैठ रहे हैं क्या वो इसमें शरीक है या नहीं है ये डेफिनेटली बात करनी क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें ज़रूर हो रही है अली अमीन गंडापुर आज तीनों वज्र मौजूद थे वो खुद उधर मौजूद नहीं थे वजारतमा का जब हलफबरदारी थी तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए जो उन्होंने कहा क्या वक्त की जरूरत है कि नहीं है इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ परवेज लाई साहब की सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि वो सरेंडर भी नहीं कर रहे जब सरेंडर नहीं कर रहे तो डटे हुए अपनी जगह पर तो बाकी मुकदमा में उनकी ज़मानत बस होने जा रही थी इसलिए अब एक और काम उनका डाला गया उसकी भी तफसील आपके सामने रखते तो सबसे पहले वो डेवलपमेंट कोई शक नहीं एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जी आ, 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 पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आइनी जो है वो फिल हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जी हाँ उन्होंने वजारतजमा का हलफ ले लिया अब सिर्फ सदर का एक इंतखब रह गया जो सबसे बड़ा और आरिफ अलवी साहब ने बैरल उनसे हलफ लिया और सदर के इंतबाब का मरला को पता नौ तारीख को होना है खदशात थे इसमें कोई शक नहीं कि आरिफ अलवी साहब आज शहबाज़ शरीफ साहब से हलफ नहीं लेंगे और फिर अगर वो नहीं लेंगे तो फिर चेयरमैन सैनट ले, ले लेते मगर आरिफ अलवी साहब ने जाते जाते ख़ुद को मुतनाजा ना करने का फ़ैसला किया और ख़दशा थे जारी र्यूमर्स थीं उन्होंने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी लेकिन ये ख़बरें बैयाद चल रही थी और हलफ बरदारी में बात यह है कि उसमें तीन आर्मी चीफ जॉइंट चीफ ये सब मौजूद थे लेकिन तीन सूबों के वजी अल उस पे अंदर मौजूद थे और यानी के पी के की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी अली अमीन गंडापुर उसमें नहीं पाए ना बर्दारी की इस तकरीब में और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ दरअसल फॉर्म पैंतालीस वाले नहीं हैं फार्म सैनतालीस वाले हैं वज़ी अजम है तो तो ये कैसे वजी अजम है जो फॉर्म पैंतालीस के नहीं है और ये बताएं क्या वाकई उनके पास मैंडेट सही है यानी उन्होंने साफ़ी के सवाल के ये सब सवा... उड़ता सवाल किया कि ये आर ओ वाले वज़र अजम है पहले सूरत में तकरीब में ना जाना मेरी नज़र में कि ये दुरुस्त नहीं है मतलब अली अमीन गंडापुर ने पहले दिन पैगाम दे दिया कि जी के पी के जो वफाक के साथ है ना वो लड़के रहेगा मुझे तो इसके अलावा कोई दूसरा मैसेज आया नहीं है अब सी एम है आप, आप आपके पास एक ज़बरदस्ती नशस्त आई है आप, आप सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आपको एक स्टेट्समैन का सबूत देना चाहिए अपने एहतजाज करें आप एहतजाजन शरीक हो जाएँ काली पट्टी बांध के आप शरीक हो जाएं। उस उस में क्योंकि हजारी सदर आरिफ अलवी ने जब हलफ़ लिया तो तस्लीम करके लिया ना तो तस्लीम करके लिया आप काली पट्टी बाज़ू पर बांधें और एहतजाजन शरीक हो जाए क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें हैं वफाक से आपने अपना हक़ लेना है सूबे का हक़ लेना है एन एफ़ सी अवार्ड लेना है आपने बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने लेनी है एहतजाजन बेशक शरीक हो जाते और बहरहाल ये और वो ये भी साथ कह रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कह सिर्फ कल मिलूँगा फिर उसके बाद इमरान खान साहब काबीना के अरकिन फाइनल करेंगे तो फिर मैं अनाउंस करूँगा यानी हर मामले में इमरान खान साहब ही पेश पेश होंगे हाँ आज उन्होंने सूबे का जो इब्तदाई जो बजट है अबूरी बजट है सही बात है इस्तेमाल करें ना करें लेकिन वो चलना ज़रूरी है एक सौ उनहत्तर अरब रुपये का बजट पास करवाया जी एक सौ वन सिक्सटी नाइन अरब का और सारी बात जून से पहले का ये बजट है तो इधर जिस तरह पंजाब में मरियम नवाज़ साहब क्योंकि पंजाब में तो पैसा बहुत ज़्यादा छः सात सौ अरब छोड़ के गए हैं मोहसिन नकवी साहब तो अब रमज़ान पैकेज के पी के भी देना है और वो उन्होंने जून से पहले किया है तो इतना मंजूर ज़रूर करा तो ये एक चीज़ थी मुझे लगा लगता कि जैसे अलीमिन गंडापुर का एहताज भी करना चाहिए सब कुछ है लेकिन अपनी में इन तमाम चीज़ों का देखना बहुत जरूरी है अमूर भी चला नहीं चलाने, चलाने। उधर सदर आसिफ अली सरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में आपको पता अच्छा खासा गुस्से का इजहार किया कि भाई सदारत के उम्मीदवार या सदारती इलेक्शन को क्यों इतना मुतनाजा किया जा रहा है क्यों महमूत और रकजे के घर में चापे मारे गए क्यों उनके गनमे और मुलाजमी को उठा के लेके गया तो अच्छा खासा यह था तो इवन बरावर साहब ने कहा कि मैंने सीएम सरफराज भुगटी को भी कह दिया कि फ़ौर उधर पहुँचें और तहकीक़ करें क्या है क्या नहीं है तो मगर इधर मामला किसी और लेवल पर चला गया ना वो छापा भी कोई खाली खुली नहीं था वो कोई अफवाह की बुनियाद पर नहीं था वो किसी गलत फहमी की बुनियाद पर नहीं था महमूर खान अचक से के कागजात पर एतराज़ आए हुआ है और जो एतराज़ लगा है ना आप वदंदा तो रह जाएंगे जी हाँ उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन के ने एतराज इलेक्शन कमीशन के ऊपर दायर हुआ और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज भी कर लिया है उसकी रोशनी में यह कहा गया है एतराज यह है कि इदारों और मुल्क सालमियत के खिलाफ है महमूद अचगज इदारों और मुल्की सालमियत के खिलाफ है महमूद अचगज तकर दरअसल सुन्नी तहत कौंसिल उर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाब दरअसल सुन्नी तहत कौंसिल ने उन्हें इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी की वजह से सदर का उम्मीदवार नामज़द किया है ये एतराज़ आया जी अच्छा जी और मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले पहले कब कब महमूद रगजी नवाज शरीफ साहब ने किन किन बड़े बड़े उहदों के लिए उनको नामजद किया अच्छा बहरहाल तो ये पाकिस्तान मुखालफ आदमी है जी ये है उस दरखास्त के अंदर ये पख्तून इलाकों को अफ़गानिस्तान का हिस्सा समझता है और पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम नहीं करता बल्कि पाकिस्तान कोई तस्लीम नहीं करता इस तरीके के इल्ज़ाम जी इलेक्शन कमीशन में जिन पर फैसला महफूज किया गया है मगर उधर दूसरे जो हैं आसिफ अली ज़दारी साहब उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो ये करके भी कोई अच्छा शगुन नहीं आ रहा तो एक बंदा इसम्बली के अंदर है कुछ सोच के यहाँ ना ये सब हुआ मगर इसका भी इम्पेक्ट ना कोई इतना उमदा नहीं पड़ रहा बहरा इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जाना ये एतराज़ बज़ात ख़ुद काफ़ी मानी खेज है अच्छा जी बिलावल भुट्टो साहब ने मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया तो मैं थोड़ा तफसील में बता दूं कि नौ मई के वाक़ पर उन्होंने चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाजीसी साहब से उन्होंने मुतालबा किया पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान के ईमान में खड़े होकर के जुडिशल कमीशन बनाया जाए और काजी फाजी साहब उसकी खुद सरब्राहिही करें और जो मुलविस अफराद उनको सजा दी जाए और बेगुनाहों को रिहा किया जाए और साथ साथम गंडापुर का भी उन्होंने जिक्र किया कि मे अलीमी गंडापुर का भी यही मौका फिर तो मैं भी यही चाहता हूँ तो बिलाउल भुटो साहब का ये मुतालबा न पाकिस्तान तरीके से पहले कर चुकी है और इस मुतालबे पर अमल कैसे होगा ये एक सवाल है क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए हैं ट्रेजरी बेंचेस पर यानी हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए हैं तो पहली बात ये सवाल है कि जो आप बेंचेस पर बैठे हुए हैं जिसमें क्या उस बेंचेस में दीगर जो अफराद बैठे हुए हैं क्या उनका भी ये मुतालबा है क्या शहबाज शरीफ साहब का ये मुतालबा है क्या एम क्यू एम का ये मुतालबा है ये है सबसे बड़ा सवाल ठीक है जी क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके कहा कि आप चीफ जस्टिस से कहें आप उनसे दरख्वास्त करें अब देखते हैं ये महज सिर्फ लफाजी है कि अमलन भी कुछ इसके अंदर होता है या नहीं होता लेकिन बहरहल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पोजिशन ले लेनी चाहिए इस पर पीपल्स पार्टी की साइड लेनी चाहिए इस पर क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अंदर से आवाज़ निकाली है दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली उनको इस पर पोजिशन लेनी चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी का भी ये मुताल है और हमारा भी मुतालबा है तो पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें बन गई ना दो बड़ी जमातें बन गई जिनका ये मुतालबाब हुआ कि फिर किस खेद की मोदी रहेंगी नून लीग और एम क्यू एम ठीक है जी तो ये एक बड़ा बड़ी चीज़ बन सकती है अगर अक्लमंदी से चला जाए तो खैर अब इमरान खान सबसे मुलाकातें जब होंगी तो उसके बाद ये तमाम बातें और पेश रफ्त पर पे कोई बायदा वाजांस आएगा हाँ शहबाज शरीफ साहब की के हकूमत अब आ गई है जी और हुकूमत क्या आते हैं बहुत सी चीज़ें निगरान हुकूमत ने रोक के रखी हुई थी वो कहते हैं ना सर मुंडाते ओले पड़ गए हाँ जी ये सर मंडाते ओले पड़ गए आई फ ने मुतालबा किया बल्कि मैं कहता हूँ कि हुक्म सागर किया है पर अमल तो होना ही होना है कि दवाइयों और पेट्रोलियम मसनुआत समेत अशिया पर अठारह फीसद जी एस टी नाफिज किया जाए अच्छा इसका मतलब है आवाम का बरकस निकल जाना और रमजान में और ईद पे अट्ठारह फीसद जीएसटी का मतलब है कुत खरीद पहले ही हमारी खत्म या आपने आमदन बढ़वा दी हो ना तो समझ में आया वो आपका पैसे है नहीं है ठीक है जी हाँ इसम्बली में नाश्ते में जो चीज़ें मिलती हैं वो कमाल मिलती हैं इशाइयाँ जो मिलते हैं वो कमाल मिलते हैं लेकिन बहरहालत खरीद आवाम की ख़त्म हो गई है और ये तोहफ़ा तैयार है जी रमज़ान और ईद पर और इसका भी फ़ायदा पाकिस्तान तहरीकानसाफ़ उन तमाम कुतों को होगा जो मौजूदा हुकूमत को सिलेक्टेड कहती है क्योंकि आई एम एफ़ के प्रोग्राम हम चल नहीं सकते हम चल नहीं सकते और इसका बोझ पड़ेगा उन तमाम ताकतों पर जो मौजूदा लेके आई है, जो मुझे, है का इस मुझे, मुझे ऐसा लगता है, कि ये क्यामत मत जानी है बड़ी क्यामत मत जानी है अठारह फीसद जी एस टी के बाद ये चीज है उधर परवेज अलाई साहब की सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि वो अपने मामला के अंदर डटे हुए नौ मई के आ, दस माह बाद जी हाँ तीन मुकदमान में उन्हें नौ मई के नामजद कर लिया गया और ये टैक्सला के मुकदमा हैं क्योंकि दीगर मुकदमा में उनकी जमानत होने जा रही है और जिस तरह इमरान रियाज खान पर एंटी करप्शन के मुकदमे उनकी ज़मानत हो रही थी तो उसी वक्त उनको नौ मई के अंदर डाल दिया पुलिस की गाड़ी जलाने का और ये वो सारा इल्ज़ाम लगा दिया तो सर पोजिशन ये चल रही है अभी भी समझ नहीं आ रही कहते नहीं ताकत से दबाएँगे ज़रा प्यार करके देख लें दीवार से लगाया ज़रा गले से लगा के देख लें हाँ ये ज़रूरी है आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब करें लूल्ला महमदिलवा मोहम्मद